नमस्कार, बालाजी सिलाई सेंटर में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको डिजाइनर चोली की सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। अभी तक मैंने आपको सादा ही चोली की कटिंग करना सिखाया है, आज मैं आपको डिजाइनर चोली की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो आइए चलते हैं। ये चोली बहुत अच्छी लगती है, ये देखिए। और मैं जो आपको सूट सिखा रही हूँ अभी तक, वो मैं टुकड़े में ही सिखा रही हूँ, बचे हुए टुकड़े में। अभी ये देखिए, इसकी मैं डिजाइनर चोली बनाऊंगी। ये कपड़ा मैंने 15 इंच का लंबा लिया है और ये मैंने हिप का चौथा जमा 2 इंच लिया है। हिप 40 है, चौथा 10, 10 और 2 12, इस हिसाब से मैंने इसको हिप के हिसाब से इसका कपड़ा लिया। ये देखिए 24 इंच है, डबल में 12 इंच निकलेगा। ये हमने, ये आप कोई भी मैचिंग का कपड़ा इस तरीके से ले सकते हैं। देखिए मैंने 12 इंच डबल में लिया है इसको। ये मैंने दो टुकड़े लिए हैं। आगे का जो मैंने टुकड़ा लिया है वो मैंने बहुत छोटा लिया हुआ है, क्योंकि ये जो टुकड़ा है ये मैं इसके साथ इस तरीके से सिल के इसकी चोली तैयार कर दूंगी। ये देखिए इस तरीके से, ये वाला। इसकी भी मैंने जो चौड़ाई ली है वो मैंने हिप के हिसाब से ही ली है, क्योंकि जब तक हमारे पास हिप के हिसाब से कपड़ा नहीं होगा हम सूट तैयार नहीं कर सकते हैं। चाहो तो आप पट्टियां भी दे सकते हैं, पर तैयार हमें जो कपड़ा चाहिए वो हिप के हिसाब से चाहिए, हिप का चौथा +2, तब हमारा सूट निकलता है उसके अंदर। अब ये 40 हिप के हिसाब से बनाए हुए हैं। ये देखिए, अब लेंथ में देखिए, ये कपड़ा मेरा बहुत छोटा पड़ रहा है क्योंकि मैं 40+ पहनूंगी, इसलिए देखिए ये तो कुल 30-31 इंच का कपड़ा है। अब हमने इसको 45 करना है, वो कैसे करेंगे? इसलिए ये जो मैं चोली लगाऊंगी ये 15 या 16 या 14 इंच की आप लगा सकते हैं, जिस हिसाब से आपका चोली का कपड़ा बैठता है कंधे से कमर, उस हिसाब से आप ये लगा सकते हैं। ये देखिए इस हिसाब से, ये देखिए 46 बैठ रहा है। हमें तैयार चाहिए 45, तो हमें कपड़ा मिल चुका क्योंकि हमने चोली का कपड़ा इसको दे दिया। जो ये बैक साइड का कपड़ा है ये हमें पहले ही 46 मिल चुका है। ये देखिए, तो एक ही साइड में हम ये चोली लगाएंगे। आज सबसे पहले मैं इसमें डिजाइनर चोली की कटिंग बताती हूँ। इस चोली को हमने इस तरीके से हाफ किया, इस तरीके से हमने ये देखिए हाफ किया। हाफ करने के बाद हमने इसको, लंबाई हमें मिल चुकी है, हम यहां से तीरे का आधा लेंगे। तीरा है, तीरा उसका आधा 6.5 6.5 ही हम बगल या मुंडा लेंगे। उसके बाद छाती लेंगे, छाती का, छाती है 36, 9 चौथा जमा 2 हम लेंगे, ये 11 इंच। क्योंकि हम सबसे पहले ड्राफ्ट चोली में ही लगाएंगे, ये देखिए उसके हिसाब से हम अब यहां से जो हम कमर का लेंगे वो भी हम 11 इंच लेंगे। ये हमारा कपड़ा थोड़ा फालतू है, इसको हम कटिंग कर देंगे। अब उसके बाद सबसे पहले हमने यहां से 2 शेप देंगे, एक 1.5 इंच के देंगे और एक 1 इंच के देंगे। ये 1.5 इंच के हैं और एक देंगे 1 इंच के। यहां से हम जब गला तैयार करते हैं तो हम सिर्फ 2.5 इंच पे ही गला तैयार करते हैं, 2.5 इंच का निशान देंगे। उसके बाद यहां से 1/2 इंच के हम कमर
कंधी डाउन करेंगे, आधे इंच के में कंधे डाउन कर दिए। अब इसके अंदर हम जितना गला पहनना चाहते हैं उस हिसाब से हम इसका गला तैयार करेंगे। गला हम इसका 6.5 पे ही तैयार करेंगे, तो ये बॉक्स बना देते हैं हम। क्योंकि इस चोली के लिए हमें गले के लिए बॉक्स बनाना बहुत जरूरी है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने यहाँ से ये 6 है इसका आधा करेंगे, 3 आधा इंच बाहर की तरफ लेंगे और इसको इस तरीके से कंधे से तिकोना कर देंगे। और इसको 1 इंच की जो ये गुलाई है उसको हम इस तरीके से गोल करते हुए हल्का हल्का इसका टिक टिक करते हुए हम इसका इस तरीके से गोल मिला देंगे। ये देखिए। उसके बाद ये जो 1.5 इंच की है इसको भी हम गोल करते हुए इसको इससे मिलाएंगे। ये जो हमारी गुलाई चलती है वो हमारी हाफ से ही चलती है, अंदर वाले भी यहीं से गुलाई होती है, बाहर वाली भी यहीं से ही गुलाई होती है। देखिए इस तरीके से। उसके बाद हमने ये देखिए, हमने इस तीरे के अंदर देखना है 2.5 इंच तो हमने गले को दे दिया। उसके बाद हमारा ये कितने इंच का बच रहा है, ये देखिए 4 इंच का हमारा ये कंधे है, उसके हिसाब से आपने 4 इंच का इधर भी एक निशान देना है। ये देखिए इस तरीके से आपने 4 इंच का निशान देना। अब हमने इसकी इस तरीके से इस कंधे, ये जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है इसको इस तरीके से हमने गोल कर देना है। ये बहुत हमारी डिजाइनर चोली बन जाती है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी ये डिजाइनर चोली बन चुकी है हमारी। अब मैं इसको आपको कटिंग बता देती हूँ। ये डिजाइनर चोली आप इसका ब्लाउज भी बनता है, ये किसी सूट में भी लगा सकते हैं, फ्रॉक में लगा सकते हैं, चाहो कहीं भी आप लगा सकते हैं सूट के साथ इसको, कोई किसी भी सूट में लग जाती है ये चोली। अब मैं इसको एक बार और बताना चाहूंगी। सबसे पहले हमने लंबाई ली है, चौड़ाई ली है सूट के हिसाब से, ये तीरा लिया है, तीरे के साथ ही हमने गले का 2.5 इंच का बॉक्स दे दिया है। उसके बाद ये बगल ले ली है, बगल से यहाँ से हमने छाती ले ली है, ये हमने कमर ले ली है। अब हमने 2.5 इंच गले को दे दिया, उसके बाद जितना हमारा ये बस्ता है उसके हिसाब से यहाँ से छाती से उतना ही हमने देना है और इसकी गुलाई मिला देते हैं गले के साथ। अब मैं आपको ये कटिंग बता रही हूँ, कटिंग हमने किस तरीके से करनी है। सबसे पहले हमने इसकी जो बाहर की गुलाई है वो ही निकालेंगे। ये देखिए। उसके बाद हमने यहां से 1/2 इंच की कंधे डाउन करने हैं। उसके बाद हमने यहां से गले के साथ में इस तरीके से ये जो हमने निशान लगाया है हमने इसको इसी तरीके से गोल गोल ये हमारी डिजाइनर चोली कट गई है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जितना आपको गला पहनना है उसके हिसाब से हमने पहले ही बॉक्स दे रखा है, तो मैंने कहा था कि 6.5 इंच का, तो आपने इस तरीके से उस 6.5 इंच की इस तरीके से आपने कटिंग कर दी है। उसके बाद आपने ये देखिए ये जो सिलेगी इसी तरीके से सिलेगी, ये बहुत डिजाइनर चोली बनती है हमारी। ये देखिए ये ऐसे और ये इसके साथ ऐसे।
गला हमारा इसमें चोरस ही निकलता है, ये ही गला निकलता है। आप इसमें बड़ा गला भी पहन सकते हैं। ये हमारे डिजाइनर चोली बन चुकी है। उसके बाद अब हमने नीचे से इसको चोली को जो हमारा फ्रंट है उसके साथ इस तरीके से सिलना है हमने। ये देखिए, ये हमारी इस तरीके से चोली लग जाएगी। और अब मैं इसकी आपको कटिंग बता देती हूँ। पहले आपने चोली की कटिंग करनी है, उसके बाद में इसके कपड़े के साथ हमने सूट के साथ सिलना है, फिर हमने इसकी फिटिंग देनी है। अभी देखिए इस तरीके से मैं ये ऊपर नीचे आगे और पीछे का रख देती हूँ। पहले पीछे का रखेंगे, ताकि हमें पता भी लग जाए कि हमें लंबाई पूरी मिल चुकी है। देखिए इस तरीके से ये हमने बैक रखी। देखिए हमें अपनी जो लंबाई हम चाहते हैं वो लंबाई हमें मिल चुकी है। अभी देखिए बैक साइड का हमने ये चोली नहीं लगाई है, हम सादा ही ले रहे हैं। फ्रंट में हमने ये वाला चोली के साथ कपड़ा ले रहे हैं 15 इंच कम। अब हमने इसी आकार के अंदर सबसे पहले ये कटिंग करनी है बगल की। आपने सबसे पहले चोली के बाद में इसको सिलना है, तभी आपसे थोड़ा सा बैठ पाएगा ये, वरना थोड़ा सा ऊपर नीचे भी आपसे हो सकता है। ये देखिए फ्रंट का तो हमें चोली के साथ चोरस गला मिल गया है, बैक का आप चाहो कोई भी गला बना सकते हैं। हमने ये बॉक्स दे रखा है, ये देखिए ये 2.5 इंच का बॉक्स है। आप चाहो तो इसमें कोई भी डिजाइनर बना सकते हैं, बैक का भी गोल भी बना सकते हैं, आप इसमें चोरस भी बना सकते हैं। मैं इसमें आपको चोरस गला बताऊंगी, पाइपिंग वाला बहुत डिजाइनर बताऊंगी, इसलिए मैं बैक नहीं काट रही हूँ, गला फ्रंट मैंने काट दिया है। अब इसमें मैं सूट का ड्राफ लगाऊंगी। सबसे पहले ये देखिए कि चोली के ऊपर हम अपनी कमर की फिटिंग करेंगे, जितनी भी आपकी कमर हो उस हिसाब से। कमर है इसमें 35 तो 8.5 तैयार, प्लस 2 10.5, दो निशान हमने ये दे दिए। उसके बाद हम इस पे हिप का निशान देंगे। हिप या तो आपको मालूम होना चाहिए या फिर 7-7 इंच के ही बॉक्स दे सकते हैं। 21-21 ये भी इस तरीके से हिप का चौथा प्लस 2 इंच हमने ली हुई है। हिप हमारी 40 है तो हमने जमा 2 करके 12 ले लिया है। अब हम इसको कमर से मिलाएंगे। ये देखिए हमने इसको इससे मिलाया और इसको हमने इससे मिला दिया। ये हमारी कमर निकलेगी, ये हमारी हिप आएगी। ये हमने चोली के अंदर मार्जिन दिया हुआ है, ये मार्जिन हम बाद में काटते हैं, पहले हम ये वाली सिलाई कर लेते हैं। सिलाई में आपको अगले एपिसोड में सिखाऊंगी। उसके बाद ये
ये हमारा सारा मार्जिन मार्जिन है। अब मैं आपको कटिंग बताती हूँ। अगर आपने तुरपाई करनी है तो मार्जिन आप ज़्यादा रख सकते हैं, वरना जितना मैंने लिया हुआ है उतना ही रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमारी ये कटिंग हो जाएगी। अब जो ये कपड़ा बचा हुआ है इसकी मैं आपको डिजाइनर बाजू ही बताऊंगी, क्योंकि डिजाइनर चोली है तो डिजाइनर ही बाजू बताऊंगी। ये मैं आपको अगले एपिसोड में सिखाऊंगी। ये सूट तैयार हो चुका है। ये डिजाइनर चोली सूट की कटिंग हो चुकी है। आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में मैं आपको ये सिलना सिखाऊंगी, इसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका जो सिलना सिखाऊंगी बहुत इजी तरीके से सिखाऊंगी, बहुत अच्छे तरीके से ही सिखाऊंगी, चोली लगाना भी और जो हमने सूट का जो कपड़ा लिया है वो भी लगाना सिखाऊंगी। इसलिए इस एपिसोड को जरूर देखिएगा। धन्यवाद।